हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. राम राम जी. वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीतू दीपू के ब्लॉग. कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर होंगे. तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हम उठे हैं ट्रैक पर जाने के लिए. मऊ रंग की तो ऑलरेडी उठ चुके हैं. बाकी गाड़ी में बैठे हैं, अभी वेट कर रहे हैं अरविंद और रोशन का, तो वो भी अभी आने वाले हैं. दीपू आज उठा नहीं, 4 बजे तक वो काम कर रहा था, कोई फाइल वगैरह रेडी कर रहा था एक्चुअली. तो क्या, तो अभी अरविंद और रोशन आने वाले होंगे. अगर वो नहीं आते हैं तो, अगर टाइम ले रहे हैं तो फिर हम थोड़ा गाड़ी साफ करके और फिर निकलते हैं ट्रैक के लिए. तो अभी वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, अगर वो आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम एक बार गाड़ी साफ कर लेते हैं. तो अभी अरविंद और रोशन आ चुके हैं गाड़ी में और हम निकल चुके हैं ट्रैक के लिए. बाकी रोशन अभी थोड़ा उदास सा लग रहा है, शायद उसकी नींद खुली नहीं. रोशन गुड मॉर्निंग. रोशन एक बार गुड मॉर्निंग बोल दो. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. तो गाड़ी अभी साफ की है हमने, लेकिन पूरी गाड़ी साफ हुई नहीं. सर्विस पे करवा ले वो तो. वैसे तो सर्विस पे आने वाली है, लेकिन वॉशिंग वगैरह जरूरी है, गाड़ी की साफ सफाई होता रहना जरूरी है. कि अभी हमारा ट्रैक आ चुका है. ट्रैक का व्यू हम आपको देना चाहते हैं. एक बार ट्रैक का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके. हाँ, तो अभी अपन पहुंच चुके हैं ट्रैक पर. बाकी अरविंद और रोशन अपना गेम स्टार्ट कर दिए. मुझे करनी है जॉगिंग, इनको गेम खेलना होता है और एक्सरसाइज करनी होती है. बाकी अभी मैं रनिंग करूंगा थोड़ी, और उसके बाद में एक्सरसाइज वगैरह करूंगा, उसके बाद में थोड़ा गेम खेलेंगे. तो मिलते हैं आपको रनिंग के बाद में. हाँ, तो रेस मैंने कर ली है, बाकी एक्सरसाइज भी कर ही लिया. तो अभी थोड़े पसीने वगैरह आ रहे हैं तो वो सुखा रहे हैं. तो गेम वगैरह खेल रहे थे, लेकिन कल की तरह आज भी हवाई चल रही है, तो कोक वगैरह स्टेबल हो नहीं पा रही, वो इधर उधर उड़ रही है. तो बाकी आज अरविंद भी हमें बोल रहा है कि गाड़ी सीखनी है, तो वो भी 18 प्लस का हो गया, तो उसे गाड़ी सिखानी पड़ेगी और लाइसेंस भी उसका बनवाना ही है, तो लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे. तो देखते हैं अभी एक बार इसको गाड़ी सिखा के देखते हैं कैसे क्या सीन रहता है. हाँ, तो गाड़ी में हम बैठ गए हैं. पहले हम देंगे अरविंद को इंस्ट्रक्शन कि कैसे क्या गाड़ी ड्राइव होती है, नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं गाड़ी के, क्योंकि ऑलरेडी जो अरविंद है वो बाइक तो चला ही रहा है, तो बाइक चलाने में उसे कोई दिक्कत आती नहीं. तो जहां तक मुझे लग रहा है कि गाड़ी भी चला ही लेगा, चला देंगे. गियर डालो सेकंड. अरे मुड़ा ही नहीं यार, क्या हम लेट जाएगा अगर नहीं. अरे ठोका वो. अरे 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 जा जा जा. हाँ, तो आ तो ठाड़ी समस्या होगी मेरी. जीतू भाई आ तो चारों सही तो जाता है. अरे तो यार ब्रेक भी तो लगाया, मैंने बोल रहा हूँ कि 1 मिनट होगी, बोलता ब्रेक लगा तो खेत लगाया तू. हाँ, खेतम सीखो गए भी नहीं ले यार. अति सेफ जगह पर सिखा रहे हैं, ये मन ले आठ ठोके यार, बताइए. और नुकसान क्यों गई वो, देखो निकल गो आगा वो बम पर. काम करिए पास से तो कर रहा हूं एक बार. देखो दान फिर नीचा हूं रेड नहीं कर दूं. आड़े के लागा तेरा सुबरे आज तो भी बंद हो रहा. अरे इन थोड़ी सी और तार दे तो आगे मैं खेत में सीख लेता. इन खेत में ले जाते हैं ना. अरविंद ने कोशिश तो की थी खेत में चलाने की. ट्रापो कराऊंगा साल में 4 बार. लेकिन पाछो तो ले यार, देखा कर तो के नुकसान हो जाए. मैंने
तो गाड़ी तो बाहर निकाल ली, अब देख लेते हैं एक बार कितना क्या नुकसान हुआ है। इस साइड से तो नुकसान हुआ नहीं, वैसे जो स्क्रेच हैं ये तो पहले से ही थे गाड़ी के छोटे मोटे, बाकी मेजर नुकसान तो ये इस ये जो बम्पर है इसका लॉक निकल गया कंप्लीट। तो शायद ये बम्पर चेंज होगा या फिर ये लॉक चेंज होंगे, वो एक बार पूछना पड़ेगा सर्विस सेंटर से। बाकी तो कोई बड़ी दिक्कत आई नहीं है इसमें, गाड़ी अभी वही रखी है गंदी, इसको वॉश करवाना पड़ेगा। बाकी नीचे से और देख लेते हैं, छोटे मोटे जो स्क्रेचेस थे ये तो ऑलरेडी पहले से ही थे, तो ऐसे कुछ बम्पर वगैरह की दिक्कत होगी, तो बम्पर का एक बार ट्राई करेंगे सर्विस सेंटर में कैसे क्या रहेगा, लॉक लगेंगे या फिर नया बम्पर डलेगा, तो जैसा भी होता है अब बताते हैं आप। तो अभी वापस निकल चुके हैं हम घर के लिए, ट्रैक से हो गए हैं, फिर ही रनिंग वगैरह मैंने कर ली, अरविंद रोशन ने गेम खेला, बाकी अरविंद ने एक और गेम खेली, आपने जैसे देखा ही होगा कौन सा गेम खेला है अरविंद ने। आज गाड़ी का नुकसान होते होते बच गया, वैसे ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, बम्पर का नुकसान हुआ है तो लॉक वगैरह निकले हैं या जो भी हुआ उसका एक बार सर्विस सेंटर से देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस का तो लगता नहीं मुझे इंश्योरेंस क्लेम करने की जरूरत पड़ेगी इतने से में, क्योंकि नुकसान इतना बड़ा है नहीं। वैसे फर्स्ट डे था अरविंद का तो कुछ खास। हाँ तो अभी सभी लोग हो चुके हैं नादोकर ऑफिस के लिए रेडी, खाना हम सभी लोगों ने खाई लिया है, बाकी भाई साहब यहाँ बाबू को खिला रहे हैं, दीपू को खिला रहे हैं, दीपू यहाँ रेडी हो रहा है, रोशन रोशन बाहर बैठा ही, अंकित बैठा है, बाकी सब लोग रेडी हैं ऑफिस के लिए, तो अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए, मिलते हैं आपको। हाँ तो अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू आतिश मार्केट, और टिंकू थोड़ा नर्वस सा फील कर रहा है आज, वो आपको पता ही होगा नर्वस सा फील क्यों कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस उसकी, तो जैसे कि हमने आपको बताया कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं है, और सिखाएंगे अभी तो टिंकू को गाड़ी चलाना कैसे क्या रहता है, कोई दिक्कत आएगी इनकी वैसे सीख जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वैसे अगर ये कंडीशन सिचुएशन अगर आपके साथ भी होती है, तो ये नहीं कि आप जिस भी पर्सन को गाड़ी चलाना सिखा रहे हो चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, तो उसको मतलब ये जो डर उसके अंदर आया है उसको निकालना जरूरी हो जाता है। तो एक रियल इंसिडेंट में इसके बारे में बताना चाहता हूँ, बात लगभग 2010 की है, भाई साहब जो है हमारे पिताश्री को गाड़ी यानी मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे थे, तो जैसे गांव में खेतों वगैरह में मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे थे, तो डे फर्स्ट जैसे पापा ने गाड़ी चलाई वहाँ मोटरसाइकिल चलाई, तो 10-15 मिनट तो उन्होंने चलाई, फिर अचानक से वो गिर गई वहाँ, तो इतना कोई बड़ा इंसिडेंट भी नहीं हुआ था, खरोचे वगैरह छोटी मोटी आई थी, तो उस टाइम पे पापा के माइंड में ऐसा कुछ डर बैठ गया कि आज तक उन्होंने जैसे घर पे बाइक भी रहती है स्कूटी भी रहती है गाड़ी भी रहती है, तो आज तक वो इन चीजों को टच नहीं करते, तो उस टाइम पे अगर उनका वो डर निकल जाता एक दो दिन बाद तक भी, तो आज क्या पता वो गाड़ी भी चलाते या स्कूटी भी चलाते मोटरसाइकिल भी चलाते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा कुछ होता है, तो प्लीज उनका डर को आप खोलिए, उनसे आगे आप गाड़ी चलवाइए ताकि उनका डर खुले। आज अनीता का टिफिन तो देख के चलेंगे नहीं, क्योंकि गुरुवार है और अनीता का और रहता है फास्ट गुरुवार का, तो अभी डायरेक्ट ऑफिस ही चलेंगे अपन। तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, तेरे पास मैं आऊंगा, मैं भी तेरा दीवाना हूँ, तू रुस्तगी मनाऊंगा। तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, तेरे पास मैं आऊंगा, मैं भी तेरा दीवाना हूँ, तू रुस्तगी मनाऊंगा। तेरी मेरी कहानी नई बन गई, मैं तेरा हो गया, तू मेरी बन गई, चाहता दे। तो अभी निकल चुके हैं ऑफिस से, बाकी आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे घर पे, तो एक बार पेट्रोल भी थोड़ा खत्म हो रहा है तो पेट्रोल लगाएंगे, उसके बाद में निकलेंगे घर के लिए। तो रास्ते में पेट्रोल पंप आएगा, जो लोग जयपुर से हैं उनको पता होगा गंगा जमुना पेट्रोल पंप है मानसरोवर के आगे, तो वहाँ से पेट्रोल पंप से पेट्रोल वगैरह डला के वो फिर घर के लिए निकलेंगे। हाँ तो गाड़ी में पेट्रोल हमने डला लिया है, और रास्ते में सीएनजी पंप भी आता है, तो सीएनजी भी कमी थी तो हमने सोचा सीएनजी भी डला ही लेते हैं। बाकी दीपू लाइन में लगा हुआ, अभी सीएनजी की थोड़ी लाइन लगी हुई है, वैसे यहाँ लाइन मिलती नहीं है इतना, क्योंकि डेडिकेटेड सीएनजी का ही पंप है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जयपुर में जो सीएनजी की प्राइस है वो 90 रुपये किलो है, तो जो अदर स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके स्टेट में सीएनजी प्राइस क्या है। हाँ तो अभी अपनी गाड़ी का नंबर आ गया, सीएनजी डल रही है, बाकी दीपू यहाँ खड़ा ही है, सीएनजी का पेमेंट करते हैं कितना क्या होता है, फिर निकलते हैं यहाँ से घर पे।
हम तो अभी गाड़ी में सीएनजी और पेट्रोल डलवा लिए हैं, निकले अभी पेट्रोल पंप से। बाकी अभी घर का रास्ता ज्यादा दूर है नहीं, 5 मिनट का रास्ता बचा हुआ है, मिलते हैं आपसे घर पहुंचकर। हाँ तो अभी घर पहुंचने वाले थे तो यहाँ पर टिंकू की पानी पुचके खाने की इच्छा हो रही थी, तो यहाँ पर एक पानी पुचके वाला भी है तो यहाँ रुक गए पानी पुचके खाने के लिए। तो मैं तो खाऊंगा नहीं, मेरा फेस तो ऑलरेडी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ऑयली फेस है मेरा, तो ये ऑयली फूड वगैरह मेरे ज्यादा चलता भी नहीं है। बाकी यहाँ पर दीपू और अरविंद अंकित खा रहे हैं तो ये खा लेते हैं फिर चलते हैं अपन यहाँ से। और यहाँ पर दीपू ने प्लानिंग की है कि एक मिठी के बाद में एक सूखी और लेनी है, भैया का नुकसान करा रहे हैं ये। बाकी 5 खाने के बाद में इनको एक मिठी और एक सूखी पपड़ी और चाहिए। तो अभी इन सब लोगों ने खा लिया है कुछ के, पेमेंट हो रहा है, पेमेंट करके अब निकल रहे हैं घर के लिए। घर ऑलरेडी आ ही चुका है, सामने घर ही है एक तरीके से, एक तरीके से क्या घर ही है, बस आगे 1 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। मुझे तो आइसक्रीम खानी थी लेकिन कल आइसक्रीम का फैमिली पैक जो आता है वो घर पे लेके गए थे तो वो ऐसे ही रखा हुआ है। हाँ तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पर अजमेर रोड पर आओगे, ये सामने जो अजमेर रोड ही जा रही है, डायरेक्ट किसी को अजमेर जाना हो तो ये यहाँ पर रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। बाकी होटल हाईवे किंग का नाम आपने सुना ही होगा, ये होटल हाईवे किंग है यहाँ पर। हाँ तो फ्रेंड्स हम आ गए ऑफिस से घर, बाकी हमने खाना वाना खा लिया, चेंज हमने कर ही लिया है। बाकी आपको एक चीज दिखाता हूँ, दिसु यहाँ पर कर रहा है अपने ऑफिस का काम, जो इसका कल का पेंडिंग रहा हुआ है। ये कॉल करके बोल भी रहा था कि चाचू मेरा लैपटॉप ले आओ जल्दी, तो हम लैपटॉप लेके आए इसके लिए। इसका काम दिखाता हूँ आपको किस टाइप से इसका काम कर रहा है ये। ओए और हाँ दिसु, अरे ये कौन सी फाइल हो रही है दिसु की, दिसु दिसु। तो देख सकते हो दोस्तों ये दिसु अपना काम करने को लग रहा है यहाँ पर, इसका काम बहुत पेंडिंग चल रहा था तो ये अभी मान नहीं रहा, दीपू जैसे इसे पीछे करता है तो ये वापस करना, एक बार दीपू इसे पीछे करना वापस एक बार, तो देखना गाइस ये लैपटॉप के लिए कैसे करेगा। जैसे इसी का लैपटॉप हो, इसका काम बच रहा हो, ये देखो ये देखो ये आ गया लैपटॉप के पास, लैपटॉप से ये खुश रहता है, ज़्यादा ही लैपटॉप चलाने की इच्छा हो रही है इसकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा ये लगता है जहाँ तक। हाँ तो अभी मैं और अरविंद आए थे खाना खा के बाहर, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं कंप्लीट और अभी करेंगे हम ब्लॉग को एडिट बाद में, और मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, राम राम जी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।